Assalamu alaikum class. Today's our lecture is about non-polar covalent bond. अब गर्ल्स सबसे पहले मैं एक्जाम्पल एक्सप्लेन कर रही हूँ फिर तुम लोगों को डेफिनेशन एक्सप्लेन करती हूँ उससे ज़्यादा अच्छी समझ आ जाएगी पहले क्लास हमारे पास फर्स्ट एग्ज़ाम्पल दी हुई है इन्होंने नॉन पोलर की एग्जाम्पल किस तरह इन्होंने दी हुई है सबसे पहले गर्ल्स हाइड्रोजन की एग्ज़ाम्पल है नॉ नॉन पोलर कौन से होते हैं इसके अंदर गर्ल्स इलेक्ट्रो नेगेटिव और इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं अब क्लास इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स जो से होते हैं वो हमेशा कोशिश करते हैं कि उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आए जबकि गर्ल्स जो इलेक्ट्रो नेगेटिव होते हैं वो हमेशा एटम कोशिश करते हैं कि उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आए अब क्लास पॉजिटिव चार्ज किसी भी एटम के ऊपर कब वो अपने ऊपर लेके आ सकता है जब वो क्या करे इलेक्ट्रॉन लूज़ करे और नेगेटिव चार्ज जब भी कोई एटम चाहता है कि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आए तो वो क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन को आसपास के एटम से गेन करना शुरू कर देता है अब गर्ल्स से हम यहाँ से ये कोड रख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन हमारे पास बुराइयों की तरह होते हैं जब भी हम कहते हैं कि किसी इंसान के अंदर बुराइयाँ कम है, है यानी कि उसके अंदर क्या वो पॉजिटिव है तो हम लोग कहते हैं यानी कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन बुराइयों की तरह होते हैं जिसमें वो कम होंगे उसे हम कहेंगे कि वो पॉजिटिव है यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज आएगा और जब भी गर्ल्स गेन ऑफ़ इलेक्ट्रॉन और जब भी गर्ल्स हम लोग गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे तो फिर क्या होगा हमारे पास गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके अंदर इलेक्ट्रॉन एंटर होंगे तो ये इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज शो हो जाएगा जिसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव अब हाइड्रोजन है हमारे पास हाइड्रोजन की हम दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करते हैं यानी कि वो कितने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सकते हैं तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेगेटिविटी वन पॉइंट वन और वन पॉइंट वन है अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकालते हैं तो वो हमारे पास आएगा ज़ीरो मीन्स दोनों जो उनसे हैं वो हमारे पास हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव जिनसे हैं वो जीरो है इसका मतलब है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जिन सा है वो बिल्कुल ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करेगा अगर एक घंटा एक घंटे में दोनों एक घंटे में दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास रहेंगे फिर दूसरे आधे घंटे में इसके पास रहेंगे आधा घंटा इसके पास इलेक्ट्रॉन रहेंगे और आधा घंटा इसके पास इलेक्ट्रॉन रहेंगे यानी कि इक्ट्रॉन जिनसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट रहेंगे जब भी इलेक्ट्रॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट रहेंगे उसको हम लोग कहते हैं नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड अब कल से हमारे पास नेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है पोलर कोवलेंट बॉन्ड अब क्लास जब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं उसको हम लोग कहते हैं ये सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट है और जब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते उसे हम लोग कहते हैं ये अनसिमेट्रिकल है नेक्स्ट है हमारे पास नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड की हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड के अंदर क्या होता है कि हमारे पास एन की एग्जाम्पल है इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करते हैं ये सपोज वैल्यू है सोडियम की इक्ट्रोनेगेटिविटी जो उनकी है वो वन पॉइंट जीरो है और क्लोरीन की क्या है टू पॉइंट फाइव है अब क्योंकि टू पॉइंट फाइव है क्लोरीन की इलेक्ट्रो नेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये हमेशा कोशिश करेगा कि इसके ऊपर कौन कौन सा चार्ज आए इलेक्ट्रो नेगेटिव आए क्योंकि ये कौन सा आइटम है इलेक्ट्रो नेगेटिव आइटम है और हमें पता है कि नेगेटिव चार्ज वो किस तरह ले सकते हैं अपने ऊपर इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा से ज़्यादा गेन करके अब नेक्स्ट अब क्लास जब हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकाला है क्लोरीन के और साथ में सोडियम के दरमियान में तो हमारे पास वन पॉइंट फाइव आया है इसका मतलब इन दोनों के दरमियान में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है क्लोरीन अब क्लास अगर ए, एक घंटा होगा तो एक घंटे के अंदर फोर्टी फाइव मिनट्स कलोरिन क्या करेगा इलेक्ट्रॉन अब अपने पास खींच के रखेगा और सिर्फ फिफ्टीन मिनट्स के लिए सोडियम को देगा क्योंकि कलोरिन क्या है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो ज़्यादा देर अपने पास इलेक्ट्रॉन को रखेगा जबकि सोडियम को बिल्कुल थोड़े से टाइम के लिए देगा इस केस को जब भी क्लास इलेक्ट्रॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते इसको हम लोग क्या कहते हैं पोलर कोबलन बॉन्ड सेकेंड एग्जाम्पल गर्ल्स पोलर कोबलन बॉन्ड की हमें इन्होंने दी हुई है उसमें हमारे पास क्या और है उसमें इन्होंने एक वाटर की एग्जाम्पल दी हुई है हमारे पास हाइड्रोजन है जो कि पार्शियल पॉजिटिव है और ओ एच हाइड्रोक्लाइन है जो कि पार्शियल नेगेटिव है अब इन्होंने कहा है कि वाटर के मालिक्यूल के अंदर जो इलेक्ट्रो नेगेटिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है जिसकी वजह से पोल पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनता है वो हमारे पास होता है ऑक्सीजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन की नस्पत ज़्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव होता है वो हमेशा चाहता है कि उसके इलेक्ट्रॉन जो उनसे वो उसकी तरफ हमेशा ज़्यादा हूँ अब इन्होंने कहा जब हम इसका वाटर का स्ट्रक्चर जो है वो ओपन करके बनाते हैं तो ये ये हमारे पास एक लीनियर स्ट्रक्चर बनाता है लीनियर अरेंजमेंट होती है लीनियर अरेंजमेंट जिसके अंदर क्या होता है के दो हाइड्रोजन जो हैं, वो दोनों कॉर्नर्स के ऊपर प्लेस किए होते हैं और अगर हम लोग इसके स्ट्रक्चर देखें तो ये ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर में दिख रहा होता है अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास स्टार्ट हो रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारे पास किस तरह होती है वाटर के मालिकूल होते हैं पार्शल पॉजिटिव होते हैं पार्शल नेगेटिव होते हैं अब ये पार्शल पॉजिटिव और पार्शल नेगेटिव होते हैं हमें हमें पता है कि नेगेटिव और पॉजिटिव हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ये एक वाटर का मालिक्यूल है जिसके अंदर ऑक्सीजन है यहाँ पर और दो हाइड्रोजन अटैच हुए हैं यहाँ पर ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन अटैच हुए हैं यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन है दो हाइड्रोजन अटैच हुए हैं टोटल हमारे पास थ्री वाटर के मालिक्यूल हैं अब ऑक्सीजन क्योंकि पार्शल नेगेटिव है हाइड्रोजन इसका दूसरे मालिक्यूल का पार्शल पॉजिटिव है ये क्या करेंगे एक वीक अट्रैक्टिव फोर्स क्रिएट करेंगे यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन पॉजिटिव है और ये क्या है पार्शल नेगेटिव दोनों वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस क्रिएट करेंगे जिसको हम क्या कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे अब यहाँ पर क्योंकि ये नेगेटिव है इसको हम लोग क्या कहेंगे रीजन ऑफ पार्शल नेगेटिव चार्ज और इसको इस वाले रीजन को क्योंकि ये पॉजिटिव है ऐसे हम कहेंगे रीजन ऑफ पार्शल पॉजिटिव चार्ज अब जरूरी नहीं है कि इन लॉस्ट वाले को ही कहना है कोई भी पॉजिटिव ये पॉजिटिव चार्ज वाला रीजन है ये वाला पॉजिटिव चार्ज वाला रीजन है हम इसको भी कह सकते हैं नेगेटिव वाला ये है ये है ये हम किसी को भी बोल सकते हैं नेक्स्ट है हमारे पास आयोनिक बॉन्ड स्टार्ट हो जाता है आयोनिक बॉन्ड हमारे पास क्या होता है इसके नाम से ही पता चल रहा है वो बॉन्ड जो आइंस की वजह से बनता है उसे आयोनिक बॉन्ड कहते हैं आइंस टू टाइप्स के होते हैं या पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा जब भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और बॉन्ड जनरेट करेंगे तो हम उसे आयोनिक बॉन्ड कहेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस क्योंकि हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं जैसे हमारे पास सोडियम क्लोराइड है सोडियम क्लोराइड में आयोनिक बॉन्ड होता है सोडियम क्या है? आ, करते हैं क्लोरीन को अट्रैक्ट करता है क्योंकि एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है और हमारे पास आ, आयो, इन दोनों के दरम्यान में आयोनिक बॉन्ड जनरेट होगा नेक्स्ट गर्ल्स हमारे पास आ जाता है टाइप अब नेक्स्ट हमारे पास स्टार्ट हो रहा है टाइप्स ऑफ मालिक्यूल मालिक्यूल्स टू टाइप्स के होते हैं एक को हम लोग कहते हैं के टाइन और एक को हम लोग कहते हैं ए नाइन के टाइन वो होते हैं वो वो जिनके वो 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 जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है जैसे एन ए पॉजिटिव और ए नाइन वो वाले जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है जैसे सी एल नेगेटिव सबसे पहले हम लोग केट आइन देखते हैं मैंने पहले ही बताया था कि पॉजिटिव चार्ज जब भी हमने किसी एटम के ऊपर लाना हो तो हम लोग क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन जिनसे हैं वो लूज़ करते हैं उसके शेल के अंदर से तो ये एटम क्या करेगा जैसे सोडियम के टाइन है उससे के टाइम बनना होगा तो वो क्या करेगा वो सोडियम एटम अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज आइन में जिसे हम लोग केट आइन बोलेंगे एन आइन ने जब भी नेगेटिव चार्ज आइन में कन्वर्ट करना होगा जैसे कलोरिन ने तो कलोरीन एटम क्या करेगा आस पास से इलेक्ट्रॉन जो उनसे अपने ऑटोमोशन में एंटर करेगा और नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर शो करे होने होना स्टार्ट हो जाएगा जिसको हम लोग एना आइन बोलते हैं अब हम लोग नीचे उसका स्ट्रक्चर भी एक दफ़ा स्टडी कर लेते हैं अब हमारे पास एग्जांपल के अंदर सोडियम की एग्जांपल है और साथ में क्लोरीन की एग्जांपल है इन दोनों को हम लोग देख लेते हैं अब हमारे पास आ, सोडियम यहाँ पे आइटम है पहले हम लोग सोडियम ऐटम को देखते हैं फिर क्लोरीन को देखेंगे सोडियम ऐटम में हमारे पास प्रोटॉन इलेवन है न्यूट्रॉन टवेल्व है और इलेक्ट्रॉन इलेव इलेवन है अब इन्होंने केटाइन का एक पॉइंट ये भी बताया हुआ है कि सोड... इनके ऊपर केटाइन के ऊपर के पॉजिटिव चार्ज इस वजह से आता है कि जब इनके इलेक्ट्रॉन जो जन हैं वो रिमूव किए जाते हैं तो इनके नंबर ऑफ़ प्रोटॉन ज़्यादा हो जाते हैं जिसकी वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि हमें पता है कि प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तो और न्यूट्रॉन तो वैसे ही न्यूट्रल होता है तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव वाले निकल जाएंगे कम हो जाएंगे तो ज्यादा कौन हो जाएंगे पॉजिटिव वाले जिसकी वजह से पूरे एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जा आ जाएगा अब यहाँ पे सोडियम है सोडियम के टोटल इलेवन इलेक्ट्रॉन होते हैं एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस और लास्ट में ग्यारह वाला है ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा ये लूज़ हो जाएगा बाहर निकल जाएगा अब हमारे पास क्या हो गया एक दो तो, तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस दस इलेक्ट्रॉन है एक बाहर निकल गया अब इसमें से हमारे पास प्रोटॉन कितने रह गए हैं इलेवन वैसिंग है और इलेक्ट्रॉन जो उनसे पहले इलेवन थे अब टेन रह गए अब इलेवन जो इलेक्ट्रॉन है वो कम हो गए हैं जबकि प्रोटॉन ज़्यादा हो गए और प्रोटॉन के ऊपर हमारे पास कौन सा चार्ज होता है पॉजिटिव जिसकी वजह से पूरे एटम के ऊपर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा जिसे हम केटाइन बोलेंगे अब हम लोग क्लोरीन को देख लेते हैं क्लोरीन जो सा है क्लोरीन के अंदर टोटल हम इलेक्ट्रॉन होते हैं सेवनटीन सेवनटीन होते हैं अब फर्स्ट के अंदर एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सतारह सतारा टोटल हमारे पास सेवनटीन इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं इसमें प्रोटॉन सेवेंटीन है न्यूट्रॉन एटीन है इलेक्ट्रॉन हमारे पास सेवेंटीन है अब उन्होंने कहा है कि हम इसको क्लोरीन को स्टेबल होने के लिए या टू इलेक्ट्रॉन चाहिए या फिर एट चाहिए टू तो वो अपने इलेक्ट्रॉन कर नहीं सकता लेकिन वो लॉस्ट शेल के अंदर एट इलेक्ट्रॉन ज़रूर कर सकता है अभी लॉस्ट में सेवन है उसने क्या करना है लॉस्ट में एट कंप्लीट करने हैं अब वो क्या करेगा यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकला था वो इसके शेल के अंदर एंटर हो जाएगा और अब जब इसके शेल के अंदर एंटर होगा तो इसके अंदर पहले नंबर ऑफ प्रोटॉन सेवनटीन थे अब भी सेवनटीन है लेकिन इलेक्ट्रॉन सिक्स लेकिन इलेक्ट्रॉन सेवेंटीन थे और अब कितने रह गए हैं अब एटीन हो गए क्योंकि प्रोटॉन कम हो गए हैं और इलेक्ट्रॉन हमारे पास ज़्यादा हो गए हैं इस वजह से और इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता है तो इस पूरे आइन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा इस वजह से एक इन्होंने लाइन हमारे पास ये भी लिखी हुई है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर हायर देन प्रोटॉन। इसके अंदर क्या होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो उनसे हैं वो प्रोटॉन से ज़्यादा हो जाते हैं नेक्स्ट हमारे पास स्टार्ट हो जाता है टॉपिक एसिड बेस एंड बफ़र उसमें सबसे पहले हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन है इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है कोई भी वो सब्सटेंस जो क्या करती है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकती है पैदा कर सकती है जनरेट कर सकती है उसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट अब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किस तरह होती है विद फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या आइंस के जरिए जनरेट होती है जब भी कोई सबस्टांस जो है वो जल्दी से आइन्स में कन्वर्ट होकर फ्लो करना शुरू कर देगी तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी और उसको हम लोग क्या कहेंगे इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे इलेक्ट्रोलाइट की टू टाइप्स होती हैं एक हम कहते हैं स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट हम कहते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है जब भी सब्सटेंस कोई भी जैसे एन ए सी एल एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है जैसे ही हम क्या करते हैं इसको पानी के अंदर डालते हैं ये फ़ौरन अपने आयंस के अंदर डिसोसिएट हो जाती है डिसोसिएट का मतलब होता है टूट जाना अब इन्होंने कहा है जब भी कोई सब्सटेंस जल्दी से अपने आयंस के अंदर ब्रेक हो जाता है आयोनाइज हो जाता है उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं और जब भी कोई डिसोसिएट तो होता है यानी कि टूटता है लेकिन बहुत ही स्मॉल एक्सटेंड यानी कि बहुत ही थोड़ा सा और कम्प्लीटली ब्रेक नहीं होता इसको हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं यानी कि वो इलेक्ट्रिसिटी इतनी अच्छी तरह जनरेट नहीं कर पाएगा जितना स्ट्रॉग इलेक्ट्रोल जनरेट करेगा नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एसिड एसिड क्या होता है कोई भी सब्सटेंस जिसको जैसे ही हम लोग पानी के अंदर डालते हैं वो क्या करें अपना हाइड्रोजन आयन जोन है वो वाटर को वाटर के अंदर ऐड कर दे उसको हम लोग एसिड बोलते हैं जैसे एच सी एल एच सी एल को हम लोग जैसे ही पानी के अंदर डालते हैं ये ब्रेक हो जाता है एच पॉजिटिव में और साथ में सी एल नेगेटिव के अंदर अब क्योंकि एच पॉजिटिव क्या होता है अब हमारे पास जो स्टेबल हाइड्रोजन होता है उसके अंदर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन एटम के अंदर हमारे पास सिर्फ स्टेबल के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है अब क्योंकि हमने इसके ऊपर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज क्यों आया क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो भी क्या हो गया बाहर निकल गया तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है पहले की नस्बत इसके अंदर इलेक्ट्रॉन और भी कम हो गए हैं तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा अब क्या होगा ये जब पॉजिटिव चार्ज आया है इसके अंदर क्योंकि इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी नहीं है न्यूट्रॉन भी जीरो है सिर्फ प्रोटॉन प्रेजेंट है और वो भी वन एक ही प्रोटॉन प्रेजेंट है इस वजह से इस पूरे को हम इन्होंने क्या बोला है प्रोटॉन इन्होंने क्योंकि अब एच ने वाटर के अंदर प्रोटॉन रिलीज़ किया है तो एसिड की एक डेफिनेशन यहाँ पर ये भी लिखी हुई है कि एसिड कोई भी वो सब्स्टांस है जो क्या करता है पानी के अंदर जब भी उसको ऐड करो वो प्रोटॉन को डोनेट करेगा प्रोटॉन यानी कि वाटर के अंदर ऐड करवाएगा नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बेस की डेफिनेशन अब बेस की डेफ़िनेशन क्या होती है बेस वो सब्सटेंसेस होते हैं कि जब भी हम उनको क्या करते हैं वाटर के अंदर ऐड करते हैं वो आयन यानी कि ओ एच नेगेटिव वो वाटर के अंदर रिलीज़ करते हैं जैसे हमारे पास सबसे कॉमन बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड एन एच जब भी इसको वाटर के अंदर रिलीज़ किया जाता है ये एन ए पार्शल पॉजिटिव में और ओ एच पार्शल नेगेटिव के अंदर ब्रेक हो जाती है बेस को हम लोग प्रोटॉन ये भी कहते हैं कि वो बेस वो सब्सटेंस होती है जो क्या करती है वाटर से प्रोटॉन को एक्सेप्ट करती है यानी कि हाइड्रोजन एच पॉजिटिव को के साथ को अपने अंदर ऐड करवाती है नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जिसे हम क्या कहते हैं पीएच पीएच हम लोग यूज़ करते हैं आ, कोई भी अगर सोल्यूशन है हमें नहीं पता वो है या बेस है उसको चेक करने के लिए हम कि वो है या बेस है हम लोग हमेशा यूज़ करते हैं पीएच अब पी एच जो उन होता है उसकी डेफिनेशन है हमारे पास ये नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आइन होता है या फिर नेगेटिव लॉग को हम लोग एंटी लॉग भी लिख सकते हैं एंटी लॉग होता है हाइड्रोजन कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन का आइन का अब हमारे पास इन्होंने कहा है कि एसिडिक एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन कोई भी सोल्यूशन अगर एसिड है या बेसिक है तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा काम कौन करता है हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल ये दोनों फैक्टर जो उनसे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एसिड किसी भी सोल्यूशन को एसिड बनाने के लिए या बेसिक बनाने के लिए अब किस तरह इंपॉर्टेंट होते हैं अगर हाइड्रोजन की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी तो सोल्यूशन एसिडिक होगा आ, और अगर हाइड्रोक्सल की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी तो सोल्यूशन बेस सोल्यूशन के अंदर बेसिसिटी यानी कि अल्केलाइन वो ज़्यादा होगा अल्केलाइन और बेसिस बेसिक एक ही बात है सोल्यूशन जो है वो ज़्यादा बेसिक होगा अगर हम लोग चाहते हैं कि सोल्यूशन न्यूट्रल रहे तो एसिड और बेस दोनों को इक्वल अमाउंट में होना चाहिए तो जब हाइड्रोजन और हाइड्रोक्ल इक्वल अमाउंट में होंगे तो हमारे पास क्या होगा सोल्यूशन जो है वो न्यूट्रल होगा अब अगर अब यहां पे हमारे पास पीएच स्केल होता है किसी भी सोल्यूशन uh, को जब हमने चेक करना हो कि उसकी एसिडिटी या बेसिसिटी कितनी है तो उसके लिए हम लोग पीएच स्केल यूज करते हैं पीएच स्केल जो है वो जीरो से लेके फोर्टीन तक का होता है सेवन अगर अब इनके डिफरेंट कलर्स शो हो रहे होते हैं हर पी का डिफरेंट कल डिफरेंट कलर्स होते हैं हम लोग क्या करते हैं ये स्ट्रिप्स होती हैं हम लोग स्ट्रिप जो सा उस सोल्यूशन के अंदर डिप करते हैं उस स्ट्रिप का कलर चेंज हो जाता है हम क्या करेंगे इन सब के कलर जो उनसे कॉल डिफरेंट शो हो रहे होंगे उन उस स्ट्रिप के कलर को इन सब के कलर्स के साथ मैच करके देखेंगे जिसके साथ मैच हो जाएगा वो इसकी पी होगी अब अगर वो सेवन वाले के साथ मैच हो गया तो इसका मतलब है कि वो क्या है न्यूट्रल है यानी कि उसकी पी न्यूट्रल आएगी उसके अंदर एसिड और बेस जो वो इक्वल अमाउंट में होते हैं और अगर एट से लेकर टेन तक से तक आई इसका मतलब है है कि वो बेस है। अगर एट नाइन टेन आई यानी कि वीक ब, ए, बेस है अगर ज्यादा वैल्यू आई तो स्ट्रॉन्ग बेस है अगर हमारे पास फोर फाइव सिक्स आई तो वीक एसिडिक है अगर बड़ी वैल्यू आई तो हमारे पास स्ट्रॉगली एसिडिक है अब वो वोल्यूशन जिसके अंदर पी एच जोन सा है वो हमारे पास होती है थ्री होती है आ, उन्होंने कहा है वो ज़्यादा एसडी को होती वो टेन टाइम्स मोर एसडी होते हैं उन सोल्यूशन से जिनकी पी एच फोर होती है और वो सोल्यूशन जिनके जिनकी बेस जिनकी पी एच है, है वो होती है हमारे पास आ, जिनकी पी एच हमारे पास होती है नाइन वो मोर वो लेस बेसिक होते हैं एज़ कंपेयर टू टेन जिनकी टेन पी एच होती है वो टेन टाइम्स ज़्यादा उनके अंदर बेसिक करैक्टर होता है एज़ कम्पेयर टू उन सोल्यूशन के जिनकी पी एच नाइन होती है नेक्स्ट है हमारे पास सोल्यूशन अब उन्होंने कहा पी एच को कंट्रोल हम लोग किस तरह करते हैं पी एच को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास कुछ स्पेशल सब्सटांसिस होती हैं जो क्या करती हैं पी एच को कंट्रोल करती हैं यानी कि एसिड और ना एसिड ज़्यादा होने देती हैं ना बेस ज़्यादा होने देती हैं अब एसिड और बेस कैसे नहीं ये ज़्यादा होने देंगी ये एसिड और बेस ऐसे नहीं ज़्यादा होने देंगी कि हाइड्रोजन की कंसनट्रेशन को भी सोल्यूशन के अंदर नॉर्मल नॉर्मल रखेंगे और हाइड्रोक्ल की कंसनट्रेशन को भी ये नॉर्मल रखेंगे इन दोनों चीज़ों को बैलेंस रखेंगे तो कभी भी पी के अंदर चेंज नहीं आएगा वो न्यूट्रल रहेगी उस सब को जो बैलेंस रखता है उसको हम लोग क्या कहते हैं बफर कहते हैं अब हम नेक्स्ट बफर की एग्जांपल देख लेते हैं अब नेक्स्ट हमारे पास बफर की एग्जाम्पल आ गई है बफ़र की एग्जांपल्स में बाय कार्बोनेट्स होते हैं फॉस्फेट्स होते हैं ऑर्गेनिक मालिक्यूल्स होते हैं हमारे पास अमाइनो एसिड और प्रोटीन होते हैं अब देखते हैं बफर काम किस तरह करता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बफर कार्बोनिक एसिड बाई कार्बोनेट होता है और ये वर्टिब्रेट्स के अंदर वर्टिब्रेट्स के ब्लड की पी को नॉर्मल रखने के लिए यूज़ होती अब इसमें होता क्या है जा, आ, जा, हमारे पास ये क्या करता है कार्बो कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट होता है यानी कि टूटता है हाइड्रोजन आयन में और एच सीथ्रीन नेगेटिव आयन के अंदर अब इन्होंने एक कहा है कि ये हमारे पास अगर एसिड ज़्यादा होगा तो कैसे कंट्रोल करेगा और अगर बेसिक ज़्यादा होगा तो ये उसको कैसे कंट्रोल करेगा अगर एसिडिटी ज़्यादा होगी एसिडिटी कैसे ज़्यादा होगी हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन अगर सोल्यूशन में ज़्यादा होगी इसका मतलब है एसिडिक करैक्टर ज़्यादा हो रहा है तो ये क्या करेगा फ़ौरन डिसोसिएट होगा हाइड्रोजन के अंदर और एच ओ थ्री नेगेटिव के अंदर अब एच सी ओ थ्री नेगेटिव क्या करेगा जल्दी से एक्सेस हाइड्रोजन जो एक्सेस हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रहा है उसके साथ रिएक्ट करेगा और अपने आप को कन्वर्ट कर लेगा एच टू सी ओ थ्री के अंदर और पूरा जो हमारे पास सोल्यूशन है वो फिर से स्टेबल हो जाएगा अगर बेसिक करेक्टर ज़्यादा होगा बेसिक करैक्टर किस तरह ज़्यादा होता है अगर हाइड्रोक्ल आइन की कंसनट्रेशन सोलूशन में ज़्यादा होगी हाइड्रोक्सिल ज़्यादा हुआ इसका मतलब है कि हमारे पास जो है बेसिक करैक्टर ज़्यादा हो रहा है ये फिर से डिसोसिएट होगा इसमें ये जो हमारे पास हाइड्रोजन है ये क्या करेगा एक्स्ट्रा ओ एच नेगेटिव के साथ जाकर रिएक्ट करेगा और वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा और पूरा सोल्यूशन जो है वो स्टेबल रहेगा अगर बॉडी के अंदर एसिड और बेसिक बेसिक जो सा करैक्टर है वो नॉर्मल नहीं रहेगा तो इंटरनल इन्वायरमेंट जो एनिमल का होगा वो जो वो, उसमें क्या होना शुरू हो जाएगा सेल रिप्चर होना शुरू हो जाएंगे और सेल की स्टेबिलिटी जो उनसे वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी इस वजह से हमें एसिडिक और बेसिक करेक्टर को मेंटेन करके रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मालिक्यूल ऑफ एनिमल्स एनिमल्स के अंदर जो मालिक्यल्स होते हैं वो हमारे पास ऑर्गेनिक मालिक्यूल्स होते हैं और इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन लिपिड और न्यूक्लिक एसिड आ जाते हैं मालिकूल्स जो उनसे होते हैं उन्होंने कहा टू टाइप्स के होते हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक वो मालिक्यल्स होते हैं जिसके जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं जबकि इनऑर्गेनिक वो मालिक्यूल होते हैं जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स होते हैं एक्सेप्ट कार्बन एंड हाइड्रोजन नेक्स्ट क्योंकि बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा कंसनट्रेशन कार्बन की होती है और कार्बन जो अब हमने उसकी वेलेंसी चेक करनी है वेलेंसी क्या होता है कार्बन दूसरे एटम के साथ कितने बॉन्ड बना सकता है एट अ टाइम उसको उसकी वेलेंसी कहते हैं यानी कि उसको कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है अपने आप को स्टेबल करने के लिए अब कार्बन के पास पहले ही चार इलेक्ट्रॉन होते हैं आउट ऑफ मोशेल के अंदर टोटल स्टेबिलिटी के लिए टू इलेक्ट्रॉन चाहिए या एट चाहिए टू तो उसके पास टू तो नहीं लेकिन उसके पास फोर पहले से ही है वो फोर और एड करेगा ताकि उसके इलेक्ट्रॉन एट हो जाए और वो स्टेबल हो जाए अब कि क्या करेगा अपने आप को स्टेबल करने के लिए ये फोर चार बॉन्ड बनाएगा किसी और एटम के साथ या ये अपनी ही एटम के साथ बना लेगा सेम एटम के साथ बॉन्ड बनाएगा या डिफरेंट एटम के साथ बॉन्ड बनाएगा जैसे हमारे पास ये कार्बन है सबसे पहले हम देखते हैं अगर ये डिफरेंट के साथ बनाएगा तो क्या होगा ये कार्बन है इसके चार इलेक्ट्रॉन्स हैं डॉट्स से मैंने शो किए हैं अब ये हाइड्रोजन है इसके मैंने क्रॉस से इलेक्ट्रॉन शेयर किए ताकि डिफ्रेंशेट हो जाए दोनों के इलेक्ट्रॉन्स में हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है और कार्बन के पास टोटल चार हैं इन सब ने क्या के इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं कार्बन के साथ और टोटल हमारे पास आ गया सी एच फोर और सी एच फो जो हमारे ये कार्बन जोन है यहाँ पर स्टेबल हो जाएगा नेक्स्ट हमारे पास है अगर वो अपने ही एटम के साथ बॉन्ड बनाएगा जैसे हमारे पास आ जाता है ये कार्बन है इसके चार इलेक्ट्रॉन और इसके भी चार इलेक्ट्रॉन है इन दोनों ने क्या किया अपने ही एटम के साथ बॉन्ड बॉन्ड बनाए हैं ये कार्बन जो उनसे इसके पास आया है लेकिन इनमें सिर्फ एक ही बॉन्ड बनेगा और बाकी जो उनसे हमारे पास ऊपर ये वाले इस साइड के और इस साइड के हैं वो हाइड्रोजन जो उनसे उनको स्टेबल कर देगा अब इन क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सेंटर में एक ही बॉन्ड बने कार्बन और कार्बन के दरम्यान में इसको हम लोग क्या बोलते हैं इथेन बोलते हैं और इसको हम लोग बोलेंगे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड अगर हम लोग डबल और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की एग्जाम्पल देखेंगे जब भी दोनों कार्बन एक एक इलेक्ट्रॉन -एक एक एक शेयर करें बॉन्ड बनाने के लिए तो हम लोग इसको कहेंगे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड जब भी दो इलेक्ट्रॉन एक कार्बन आइटम दो करें या एक कार्बन आइटम तीन करें तो हम लोग डबल और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड कहेंगे वो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट हमने देखना है कि ये कार्बन जब सिंगल डबल और ट्रिपल बॉन्ड किस तरह बनाता है जब भी एक एक ईच एटम जो उनका है वो शेयर करेगा एक इलेक्ट्रॉन तो हमारे पास सिंगल बॉन्ड बनेगा जैसे ये कार्बन है इस कार्बन ने मिड में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया और बाकी इनके तीन इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ शेयर हो गए ये हमारे पास एक सेंटर में बॉन्ड बना है इस सेंटर में बॉन्ड जो बना है इसको हम कहेंगे सिंगल कोब्लैंड बॉन्ड उस पूरे फार्मूला को हम लोग ईथेन बोलते हैं जब भी एक ही इलेक्ट्रॉन जो है वो सेंटर में दो दो इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर करता है यहाँ पे भी इसके दो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे भी दो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ नीचे वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्ड बना लेगा आपस में और बाकी जो उनसे दो दो रह गए हैं वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएंगे क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर भी एक ही इलेक्ट्रॉन होता है तो इसको क्योंकि सेंटर में हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन आ गए हैं दो बॉन्ड आ गए हैं इसको हम लोग डबल कोवलेंट बॉन्ड कहेंगे और ईच पेयर हम हमारे पास टोटल यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन के पेयर हैं टू इलेक्ट्रॉन के पेयर हैं एक बॉन्ड के अंदर दो इलेक्ट्रॉन होते हैं तो दो के अंदर चार इलेक्ट चार इलेक्ट्रॉन होंगे और पेयर कितने हैं दो पेयर ऑफ़ टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है नेक्स्ट हमारे पास ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में हमारे पास क्या होता है जब ईच इलेक्ट्रॉन जो उनसे थ्री इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा जैसे ये कार्बन है तीन इलेक्ट्रॉन इधर है एक उधर है इसके तीन इलेक्ट्रॉन इधर है एक उधर है तीनों आपस में बॉन्ड बनाएंगे ठीक है तो हमारे पास आ जाएगा ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड और इस फॉमूला को हम लोग कहेंगे इथाइन नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है हाइड्रोकार्बन वो मालिक्यूल्स जिनके पास कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं हाइड्रोकार्बन हाइड्रो मीन हाइड्रोजन कार्बन मीन कार्बन नेक्स्ट है हमारे पास फंक्शन ग्रुप आ जाता है फंक्शन ग्रुप हमारे पास क्या होता है फंक्शन ग्रुप होता है फंक्शन ग्रुप सबसे पहले मैं एक एग्जांपल बता देती हूँ अगर कोई भी कार्बन की चेन होती है कार्बन की चेन के साथ कोई ऐसा ग्रुप आके अटैच हो जाए जो क्या करे उसके पूरे पूरे के पूरे फंक्शन को चेंज कर दे उसको हम लोग कहते हैं फंक्शन ग्रुप जैसे हमारे पास एक फंक्शन ग्रुप है बॉन्ड ओ एच ओ एच जब भी किसी के साथ अटैच होता है उसको अल्कोहल बना देता है अब हमारे पास एक चेन है मीथेन इथेन ये हमारे पास इथाइल की चेन है इथाइल के साथ क्या हुआ है मैंने ओपन करके इथाइल ही लिखा हुआ है ठीक है इथाइल के साथ ओ एच OH ग्रुप जब अटैच हुए इसको इथाइल को उससे कन्वर्ट कर दिया इथाइल अल्कोहल में यानी कि वो अल्कोहल बन चुका है अब उसने क्या किया एक सिंपल हाइड्रोकार्बन की चेन को पूरा का पूरा अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया तो हम इसको क्या कहेंगे हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है वो यानी कि क्लास वो पूरा का पूरा जो पार्ट होता है वो इनएक्टिव होता है जबकि बाकी जो एक पार्ट होता है वो एक्टिव होता है और वो क्या करता है पूरे ग्रुप का फंक्शन को चेंज कर देता है उसको हम लोग बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट हमारे पास होता है कार्बो और पेटोन्स को हम लोग कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं अब यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है ग्लूकोज़ की और साथ में फ्रुक्टोज़ की इसके अंदर पॉली पोली का मतलब होता है मैनी ये हाइड्रोक्सी का मतलब होता है ओएच OH ग्रुप अब यहाँ पे देखते हैं बहुत सारे यहाँ पे ओएच ग्रुप अटैच हैं और अल्टीहाइड ग्रुप ये हमारे पास ये सबसे ऊपर वाला अल्टीहाइड ग्रुप लगा हुआ है ये ग्लूकोज में है और जब भी कीटो पोली हाइड्रोक्सी ये हमारे पास पोली का मतलब है मैनी हाइड्रोक्सल ग्रुप लगे हुए हैं और कीटोनिक ग्रुप जो है ये हमारे पास कीटोनिक ग्रुप लगा हुआ है तो ये हमारे पास दोनों क्या है कार्बोहाइड्रेट हैं अब इसका मेन सोर्स ये कार्बोहाइड्रेट जो उनसे होते हैं वो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होता है कैसे मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होता है जब भी इनका कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड जो है वो टूटता है तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होती है जो कि डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करती है इन्होंने कहा इसकी कंपोजिशन देखते हैं इन्होंने कहा सबसे स्मॉलेस्ट जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट होता है वो मोनोसक्रॉयड होता है जो कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है नेक्स्ट इसकी क्लासीफिकेशन है तीन चीज़ों से मिलकर बनता है मोनोसेक्राइड डाई और पोलीसक्राइड से